नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला छावनी में सफाई व्यवस्था की पोल खोलते हुए इनेलो प्रदेश प्रवक्ता ओमकार सिंह ने कहा कि हर चौक गली की नुक्कड़ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से प्रसिद्ध ऐतिहासिक दशहरा ग्राउंड को अनाधिकृत डंपिंग स्टेशन बनाकर नर्क कुंड में तब्दील कर दिया गया है। डेंगू का प्रकोप और गंदगी की भरमार कहाँ है सरकार, ये कहते हुए उन्होंने कहा कि कितनी अजीब बात है कि हरियाणा में डेंगू की स्थिति गंभीर बनी हुई है और अम्बाला में भी डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, फिर भी दशहरा ग्राउंड में पानी खड़ा है और डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए दशहरा ग्राउंड की सफाई होना अति आवश्यक है। न जाने किस सिरफेरे की सिफारिश से गांधी ग्राउंड में 50 लाख रुपए खर्च करके डंपिंग स्टेशन बनाया गया था, जिससे अब सब्जी मंडी बना दिया गया और दशहरा ग्राउंड बच्चों के खेलने एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित करने का स्थान था, इसे डंपिंग स्टेशन में तब्दील कर दिया गया है। जनधन की जितनी बर्बादी इस दौरान हुई है वो पहले कभी नहीं हुई। दशहरा ग्राउंड में गंदगी की वजह से इस रास्ते से गुजरने वाले हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वर्णनीय है कि प्रसिद्ध हाथी खाना मंदिर और मिल के पीछे की कॉलोनियों में जाने का मुख्य रास्ता दशहरा ग्राउंड वाला ही है और इन कॉलोनियों की आबादी 15,000 से अधिक है। रोटरी अस्पताल भी इसी रोड पर स्थित है। सड़क तक कूड़ा और गोबर फैलने के कारण सड़क से निकलना भी मुश्किल हो गया है। बरसात के मौसम में गंदगी के कारण बीमारी फैलने का खतरा भी बना रहता है, लेकिन प्रशासन मस्त है और जनता त्रस्त। कोई पूछने वाला नहीं है कि यहाँ गंदगी क्यों है, क्योंकि सारे चौकीदार गायब हैं। सत्ता में आने से पूर्व भाजपा नेताओं ने वादा किया था कि अम्बाला छावनी को इतना खूबसूरत बनाया जाएगा कि चंडीगढ़ के लोग अम्बाला छावनी के विकास को देखने आएंगे, लेकिन यहाँ तो विकास की गंगा उल्टे पहाड़ को चढ़ गई। आमजन के स्वास्थ्य को देखते हुए प्रशासन से गुजारिश है कि ग्राउंड में कूड़ा फेंकना बंद करके इसे दोबारा ग्राउंड ही बना दिया जाए। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। डेंगू का सीजन चल रहा है और डेंगू के मरीज लगातार हरियाणा में बढ़ रहे हैं, और मैं बताना चाहूँगा 2014 से लेकर अब तक डेंगू के मरीजों की जो मृत्यु की दर है वो बहुत अधिक है। 14 मरीज 2022 में स्पेशली जिनकी डेथ हो चुकी है डेंगू के मरीजों की। लेकिन यहाँ देखिए साफ पानी पड़ा है, स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे अम्बाले का ही है, और यहाँ पे स्वास्थ्य की किसको चिंता है? क्या इसमें डेंगू नहीं पनपेगी? क्या डेंगू का मच्छर यहाँ पे नहीं पनपेगा? वो देखिए सामने मच्छरों की भरमार है, यहाँ पे खड़े होकर बदबू भी इतनी आ रही है। कब जागेगा प्रशासन? कब ये व्यवस्था ठीक होगी? इस बात की इंतजार है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।